ये तमाम राजस्थानियों के साथ अपने को जोड़ रहा है। आज करीब 50 से भी अधिक देश और अपने भारत के हर हिस्से में बसे राजस्थानियों को हम जोड़ चुके हैं। छोटे से छोटा देश हो, चाहे म्यांमार, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, तमाम देशों में राजस्थानी भाई बहनों से जुड़कर हमें धीरज श्रीवास्तव कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन राउरकेला ओडिशा के राजस्थान परिषद की गोल्डन जुबली ईयर के 4 दिवसीय प्रोग्राम के क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत की। इस गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में परिषद ने राउरकेला में मिनी राजस्थानी मेले का एक भव्य आयोजन भी किया। राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान पर्यटन और राजस्थान परिषद के साझा उपक्रम में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी बोली और राजस्थानी संगीत ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि जैसे उत्कल की धरती पर राजस्थानी संस्कृति का रंग ही पूरी तरह से उतर आया हो। हर कोई इस राजस्थानी गीतों और नृत्य के मनमोहक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध था। राजस्थान परिषद के प्रेसिडेंट शैलेंद्र मरोड़िये ने बताया कि राउरकेला में सबसे बड़ी मारवाड़ी जनसंख्या है और उड़ीसा राज्य में राउरकेला और उसके आसपास लगभग 75,000 मारवाड़ी बसते हैं। श्रीवास्तव ने राउरकेला में बसे प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्कल की धरती पर राजस्थान की महक जो आ रही है उससे यह एहसास होता है कि राजस्थानी चाहे कहीं भी रहे उसके मन का एक हिस्सा हमेशा अपनी माटी से जुड़ा रहता है। श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन देश और दुनिया के राजस्थानियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। राजस्थान फाउंडेशन ग्लोबल फैमिली की अवधारणा को साकार करने में निरंतर अग्रसर है। अब तक लगभग 30 देशों और देश के हर हिस्से में बसे राजस्थानियों को जोड़ा जा चुका है। अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, स्विट्जरलैंड और अफ्रीका जैसे देशों में बसे राजस्थानी भाई बहनों से जुड़कर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार किया है। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।